कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म को लेकर बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि टूरिज्म विभाग की वर्किंग ग्रुप की आज ये मीटिंग होगी। G20 की ये मीटिंग श्रीनगर में होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके पहले G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। तो वहीं कश्मीर में होने जा रही G20 बैठक से पाकिस्तान बेचैन है और इसलिए उनके नेता भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। अब इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रविवार को कहा कि कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होगा। दरअसल श्रीनगर 22 से 24 मई तक तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पहली बैठक फरवरी में गुजरात के कच्छ के रण में और दूसरी अप्रैल में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई थी। इधर मीटिंग से पहले NIA ने रविवार को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंडेड वर्कर मोहम्मद उबैद मलिक को गिरफ्तार किया है। इसके बाद विदेशी मेहमानों को गुलमर्ग ले जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। आज दोपहर 3 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। श्रीनगर में ये मीटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से कड़ी कर दी गई है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप देखेगा कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है, ये भारत का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि G20 की इस मीटिंग में चीन हिस्सा नहीं ले रहा है। उधर श्रीनगर में दोपहर 3 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 3 लेयर सुरक्षा घाटी में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि G20 की मीटिंग जो है वो आज से शुरू होने जा रही है श्रीनगर में। पहली मीटिंग आज दोपहर 3 बजे होगी, जिसको लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात से सामने आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत का बयान भी सामने आया है। भारत ने साफ तौर पर कहा कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप दिए देखेगा कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। श्रीनगर में आज ये बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। 3 लेयर सुरक्षा जो है वो लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से कश्मीर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में आज G20 की मीटिंग होने जा रही है, पहली ये मीटिंग है, और इस मीटिंग से पहले कश्मीर ने और जम्मू कश्मीर ने पूरी तरीके से उन तमाम आतंकियों को देखा है, चाहे अलग अलग घटनाएं हो, G20 को रोकने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन आज G20 की मीटिंग हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए G20 की मीटिंग आज होने जा रही है, जिसमें 25 देशों के करीब 150 प्रतिनिधि जो है वो भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में पर्यटक को किस प्रकार से लाया जाए, पर्यटन का किस प्रकार से विस्तार किया जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। और इसी के साथ जो बाहरी विदेशों से आने वाले प्रतिनिधि हैं, वो कश्मीर की बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर जो है वो देख पाएंगे। लेकिन ये चाइना और खास करके पाकिस्तान को पच नहीं रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार पाकिस्तान प्रयास करता है। हालांकि कल की बात करें, कल भी पुंछ के इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक फायरिंग जो है सुरक्षा बलों ने की, लेकिन उन संदिग्धों का पता नहीं चल पाया। वहीं अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कश्मीर घाटी में 32 कंपनियां जो हैं वो CRPF की तैनात कर दी गई हैं। मार्कोस कमांडोज के साथ साथ NSG कमांडो जो हैं उनको भी तैनात किया गया है, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। वहीं कहा जाए तो कश्मीर घाटी में जो बैठकों का दौर चलना था, उसमें जो कहा जाए तो उसमें कई स्थान चेंज किए हैं, उन मीटिंगों के जो स्थान हैं उनको बदल दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो आतंकी घटनाएं हैं उसके मद्देनजर जो है वो ये सब चीजें की गई हैं। लेकिन
जिस प्रकार से एक आतंकी जो है उबैद भी पकड़ा गया है जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और कश्मीर घाटी में 26/11 जैसा हमला करने की कोशिश थी, क्योंकि जो प्रतिनिधि आए हैं उनको होस्टेज बनाने की आतंकियों की मंशा थी, लेकिन उससे पहले कहा जाए आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनको पकड़ा गया है, जैश ए मोहम्मद का आतंकी उबैद पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, लेकिन कहा जाए आज G20 की मीटिंग होने जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इससे पहले कहा जाए तो आतंकवाद प्रभावित जो है कश्मीर रहता था, यहाँ पर आए दिन बंद रहता था, आए दिन आतंकी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती थी, हुर्रियत के बंद बुलाने पर जो है वो कश्मीर बंद हो जाता था, लेकिन आज फिजा बदली है, यहाँ पर विदेशों से जो है मेहमान जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है रविंद्र, बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। इंदुकांत जी, G20 की जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो अब अलग अलग राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है, श्रीनगर में आज ये मीटिंग होने जा रही है, किस तरीके से आप इस मीटिंग को देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से इस मीटिंग को रोकने की भरपूर कोशिश की गई है। नमस्कार मुस्कान जी, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में और पूरी दुनिया के इतिहास में याद किया जाएगा, और जिस तरह से G20 की ऐतिहासिक बैठक भारत कर रहा है श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में, हार्ट ऑफ द कश्मीर में, ये दर्शाता है कि किस तरह के जम्मू कश्मीर के सारे लोग भारत से जुड़े हैं, उनके सेंटिमेंट्स भारत के साथ हैं, भारत का किस तरह से उस पर अभेद्य और अटूट रिश्ता और नियंत्रण है। वो जो भी कोशिशें पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ताकतों ने देश की आजादी के पहले से और आजादी के बाद से खास करके की हैं जम्मू कश्मीर को भारत से तोड़ने की या वहां बिखराव या विद्रोह पैदा करने की, सबको नेस्तनाबूत करते हुए जिस प्रकार भारत ने 370 हटाकर और अपने गट्स पे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कश्मीर में यह बैठक की है, और आपने देखा मुस्कान जी कि किस तरह पाकिस्तान की कोशिशों को थोड़े पंख लगाने के लिए, खुश करने के लिए, जिस पाकिस्तान की हालत आज कंगालों जैसी है, चीन ने इसका विरोध किया, बहिष्कार करने की भी बात कही कश्मीर की इस मीटिंग की, लेकिन G20 के किसी भी और देश ने कुछ भी इसके बारे में बात नहीं की और सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये इतिहास में सदा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा मुस्कान जी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की आपने जिक्र किया इंदुकांत जी, तो पाकिस्तान की बात करें तो कल ही बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया है, वो साफ कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश है G20 की यह बैठक। बिलावल भुट्टो बेचारे तो कटोरा लेकर घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, आप जानती हैं दुनिया बंदूक की नली और शांति के ताकत के साथ आपको नमस्कार करती है, और कहते हैं ना कि नमस्कार जो है चमत्कार को होता है, चमत्कारिक कैरिस्मेटिक लीडरशिप अगर कहीं है तो वो इस समय भारत में है, न कि दरिद्रता के कगार पे खड़े पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो खास दोस्त हुआ करते थे, जो समय बेसमय वक्त बेवक्त उसके साथ कुछ राग अलापते थे, आप सोचिए एक जमाना था जब सऊदी अरबिया जब हो तब उसके पक्ष में बातें करता था, कुछ और भी देश थे जो इस्लामिक कंट्री इस्लामिक कल्चर के नाम पे उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते थे। आज उन सभी देशों ने, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात UAE हो, सभी के शीर्ष शासकों ने प्राइम मिनिस्टर को अपने अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। हमारे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन पे लोगों ने गोधरा कांड का लांछन लगाने का प्रयास किया था, जहां माना जाता है कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों को मारा गया था, लेकिन उसके बाद भी देश और गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी के योगदान को और इस झूठ को जो फैलाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इसकी सत्यता को स्वीकार करते हुए इन बड़े देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। मुस्कान जी आपको याद होगा कि यही हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ
कांग्रेस के शासन में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तमाम लगभग 70 सांसदों ने, 64 से 70 सांसदों ने लिख के चिट्ठी भेजी थी तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन के पास, राष्ट्रपति के पास, कि प्रधानमंत्री को एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वीजा न दिया जाए अमेरिका का। और आज वही प्रधानमंत्री को आपने देखा कैसे पापुआ निगिनी में गए थे, अभी कल की तस्वीरें आपने देखा चारों तरफ वायरल हो रही हैं, कि प्रणाम किया, पैर छूकर चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, जो भारत की परंपरा रही है, और प्रधानमंत्री ने उनको आशीर्वाद दिया। ये देश का नहीं, देश की जनता का, एक एक भारतीय का सम्मान है। तो भारत को जिस मुकाम पे अपनी विदेश नीति में, खासतौर से रक्षा नीति में भारत को पहुंचाया है मोदी सरकार ने, उसी का ये सुपरिणाम है कि किसी से बिना डरे, बिना किसी से आशंका के कश्मीर घाटी में G20 की बैठक हो रही है। मुस्कान जी ध्यान रखिएगा कि ये है दुनिया के लगभग 70% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले G20 की बैठक, लेकिन इसमें 20 और देशों के लोगों को पर्यवेक्षक के तौर पे बुलाया गया है, तो लगभग 40 देशों की ये बैठक हो रही है। और टूरिज्म सेक्टर में एक अनुमान के हिसाब से माना जाता है, जम्मू कश्मीर के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने टूरिज्म के बताया है कि इस वर्ष लगभग 2 करोड़ पर्यटक, 2 करोड़, जो नंबर कभी कश्मीर में लोगों ने सुना नहीं होगा। मुस्कान जी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर की जो आबादी है अभी भारत में, वो है लगभग 1 करोड़ 20 लाख, वहां पे 2 करोड़, उनकी आबादी से लगभग 2 गुने पर्यटक इस वर्ष आ रहे हैं। और जब ये G20+20 पर्यवेक्षक 40 दुनिया के सबसे प्रमुख, सबसे ताकतवर देशों के लोग टूरिज्म सेक्टर की मीटिंग करके यहाँ से जाएंगे, तो अकल्पनीय है कि यहाँ कितने पर्यटक आएंगे। और वो अपनी आंखों से जब डल लेक की खूबसूरती, श्रीनगर के तमाम बागों की, चश्मे शाही, निशात, शालीमार और ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती, अपने आदि शंकराचार्य का शंकराचार्य टेम्पल, और ये सारी चीजें देख, हजरत बल और चरारे शरीफ, यूसमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग जब देख के जाएंगे, तो दुनिया भारत में उस तरह से देखेगी जिस तरह से 80 के दशक में भारत को देखा जाता था। लेकिन दुनिया ने इतनी करीब से, इतने नजदीकी से कश्मीर को नहीं देखा होगा जैसा वो कल, आज और परसों, 3 दिनों की बैठक में देखेंगे। जी मुस्कान जी, बिल्कुल। मैं एक बार फिर से लौटूंगी दीक्षित जी आपके पास, रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से दीक्षित साहब ने तमाम चीजों के बारे में बताया है, कश्मीर की सुंदरता को तो देखेंगे ही, लेकिन इस दौरान एक चुनौती प्रशासन के लिए भी है जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से इन डेलीगेट्स की सुरक्षा की जाए। घाटी में ये बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है और 3 टियर की सुरक्षा रखी गई है इस समय। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से, जैसा मैंने पहले भी बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, और खास करके एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाया गया है, और ड्रोन के जरिए भी निगरानी जो है वो की जाएगी। LOC का इलाका हो वहां पर भी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो 3 टायर सुरक्षा जो है BSF दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF की जो टुकड़ियां हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि 32 कंपनियां जो हैं वो इस समय तैनात की गई हैं CRPF की, ताकि परिंदा भी जो है वो पर ना मार सके, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। और जैसा मैंने पहले बताया कि 26/11 जैसा हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, और क्योंकि जो एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा गया है उसने पूछताछ में खुलासा भी किया है कि जो विदेशी मेहमान आने वाले थे उनको लेकर कहीं ना कहीं होस्टेस बनाने की बात जो है वो सामने आई है। उसी प्रकार 26/11 जैसा हमला करने की कोशिश यहाँ की जानी थी, लेकिन उससे पहले उन आतंकियों को पकड़ लिया गया है, और कल ही जैश ए मोहम्मद का आतंकी उबैद भी पकड़ा गया है। और ये सब चीजें दर्शाती हैं कि सुरक्षा को काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है। गुलमर्ग में एक मीटिंग हो रही थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है, और कई ऐसे जगह हैं जहां पर अभी फिलहाल बताया नहीं गया है, लेकिन उन जहां पर मीटिंग होनी थी उन जगहों को वहां से बदल दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है ताकि आतंकवाद जो है वो सर ना उठाए, उसका फन अगर उठाता है तो उसका फन वहीं कुचल दिया जाएगा। और जिस प्रकार से लगातार ISI और
आतंकियों के सरगना लगातार कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के अंदर कहा जाए तो बाटा दुनिया में हमला किया, फिर उसके बाद कोटरंगा, राजौरी के कोटरंगा में आतंकियों के साथ जब मुठभेड़ हुई तो उसमें भी 5 पैरा कमांडो जो है वो शहीद हो गए। लेकिन उसी प्रकार ये भी बताया जा रहा है कि 10 से 12 आतंकी जो है अभी भी उस इलाके में मौजूद है। लेकिन अगर घाटी की बात करें तो घाटी में पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डल लेक में जो है मार्कोस कमांडो जो है उनको तैनात किया गया है और एनएसजी के साथ साथ सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है। जी ठीक है, देखिए साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आज ये जो मीटिंग होने जा रही है, ये अगर इस हालांकि इसमें चीन हिस्सा नहीं ले रहा है, चीन काफी बौखला गया है पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर में ये बैठक हो रही है, इस बैठक से किस तरीके से मजबूती विदेशों में भारत को मिल सकती है? खान जी, जैसा आपके रिपोर्टर साहब ने भी बताया कि तमाम कोशिशें आतंकवाद का गढ़ है जम्मू कश्मीर अभी भी, और यहाँ पे तथाकथित कश्मीर को आजाद कराने वाले तत्व सक्रिय हैं, वो मरे नहीं हैं, खत्म नहीं हुए हैं, ये बताने की अपनी पूरी कोशिश में हर तरह से हर प्रकार से लगा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से साइडलाइंड, जिस तरह से उसको पूरी दुनिया की विश्व समुदाय में आइसोलेट किया है, अकेला कर दिया है भारत ने चौतरफा अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से, ये अपने आप में दुनिया के इतिहास में याद किया जाएगा कि बिना गोली, बिना बारूद, बिना युद्ध के पाकिस्तान को किसी ने इस तरह से कंगाल और बिल्कुल अकेला और बिल्कुल निचले दर्जे पर लाकर खड़ा करने वाला कोई प्रशासन था तो वो मोदी सरकार है। और देखिए, जो भी आपके रिपोर्टर साहब बता रहे थे, जिस तरह का राजौरी में आतंकवादियों ने हमला किया, वो मैं जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष स्वयं रहा हूँ मुस्कान जी, मैं जानता हूँ कि राजौरी जम्मू रीजन में आता है, राजौरी पुंछ, और वहां मेंढर, सूरनकोट, कृष्णा घाटी, इन इलाकों से आतंकवादी अपनी कार्रवाइयां शुरू किए थे जब 90s का आतंकवाद शुरू हुआ था। उन इलाकों में काफी दिनों तक एंगेज किया आर्मी ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको फिनिश करने के लिए। लेकिन एक बार जब आतंकवाद लगभग खत्म हुआ कश्मीर में, तो इन इलाकों में जनता में भी कुछ लोग थे जो सपोर्ट करते थे इनको, लेकिन उनका सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया। कश्मीर में सख्ती की है भारत सरकार ने, उसके बाद ये G20 के ठीक पहले राजौरी में एक प्लान्ड ऑपरेशन था ISI का कि इस ढंग के हमले करेंगे तो हमारे जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, और वो राजौरी और पुंछ में सूरनकोट मेढर के इलाकों में जो अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और थोड़ा भी सिक्योरिटी लैप्स या कमी करेंगे कश्मीर घाटी में, उसका फायदा उठाकर वो अंजाम देंगे आतंकवादी हरकत को किसी, जिससे G20 में नाम और यश होने के बजाय बदनामी हो जाए देश का कि ये सेफ जोन नहीं है, और जो चाहते हैं तेज हमने सजाया, थाल हमने सजाया और उसमें आग लगाने का काम पाकिस्तान करना चाहता था। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे पैरा ट्रूपर्स जो सबसे टॉप कमांडर्स माने जाते हैं, कमांडोज माने जाते हैं, वो 5 मारे गए जब हमारे राजौरी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था हमलावर आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। लेकिन आपने देखा उसके बाद भारत बिल्कुल शांत हो गया, कोई कमेंट नहीं आया। आप समझते हैं इसका अर्थ ये है कि उन आतंकवादियों को, हमलावरों को भारत ने छोड़ दिया है? सही नहीं। याद रखिएगा मेरी बात मुस्कान जी, एक बार G20 की यह बैठक जैसे ही संपन्न होगा, क्योंकि भारत अगर ऑपरेशन तेज करता, मार गिराता आतंकवादियों को, तो इसमें कुछ न कुछ जो कोलैटरल डैमेजेस होते हैं उसमें बदनामी दुनिया में होती है, और यही चाहता था पाकिस्तान और उसके आतंकवादी ग्रुप। लेकिन भारत ने बहुत अच्छी सोच के साथ, बड़ी बढ़िया जबरदस्त प्लानिंग के साथ अभी उनको घेर करके राजौरी के उस एरिया में टेक्लूड कर दिया है कि यहाँ ऑपरेशन करके उन आतंकवादियों को मारेंगे। लेकिन वो मारेंगे इस G20 की सफल बैठक के, G20 की इस बैठक के लिए सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं, और जो भी आपके रिपोर्टर बता रहे तो तमाम मीडिया में आ रहा है वहां की ये जगह बदल दिया, ये जगह बदल दिया, ये एक सिक्योरिटी प्लानिंग होती है जो इस ढंग के बड़े जगह होते हैं, जब बड़े हमारे कार्यक्रम होते हैं तो सिक्योरिटी वाले करते यही हैं। वो बताते हैं कि हम पॉइंट ए पर ये मीटिंग करेंगे, जिससे आतंकवादी और उनके जितने आका है पॉइंट ए पर फोकस करें, और मीटिंग की तैयारी होती है पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी पे मीटिंग की जाती है, जिससे कोई अगर इतनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बाद भी अगर कोई षड्यंत्र उनका लोकल किसी नाराज किसी
गलत तत्व के साथ मिल कर करके कोई प्लानिंग चल रही होगी तो इट इज श्योर टू बी डाई, वो फेल हो ही जाएगा। इसलिए ये प्लान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।